सकते हैं। देखो कोई फोटो रहेगी होगी, कोई दिक्कत नहीं उनकी, हम आपके चैनल के माध्यम से समाज से अक्षमा भी चाहते हैं। बाकी रणबीर जी हुड्डा जी का नाम आपने लिया है तो रणबीर जी हुड्डा संविधान के मेंबर रहे हैं, जो आरक्षण में प्रावधान डॉक्टर बाबा भीमराव जी ने रखा है उस पर इनके साइन भी है भाई। देखो हाँ, जो आरक्षण दिया खुल करके बीसी, ये कांग्रेस की रैली कहने में क्या, कांग्रेस की रैली कैसे, मेरे को ये बताओ आप। सुनो सुरेश जी को पूछो कौन सी, सुनो ऐसे मत हूँ, आप मेरे को बताओ समर्थित कांग्रेस, सुनो ना ना नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि हमने हमने हुड्डा साहब का कोई ऐसा गुणगान किया हो कि उसकी सरकार में, मैंने ये बताओ कि 600 वर्ग के प्लाट नहीं दिए, उसकी सरकार में बच्चों को वजीफा नहीं दे, जो सरकार बंद कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि उनका टेम में जो काम है उसको बंद ना करो, बात फर्क, हमने फर्क गिना भाई, हमने किसी का प्रचार नहीं किया। मैं जो बताना चाहता हूँ कांग्रेस का नाम नहीं, हमने ये कहा कि पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन छत्तीस बिरादरी के भाई उसमें कर्मचारी है, पंजाब का भी नाम, पंजाब का नाम लिया पुरानी, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां पर। हमने ये कहा कि पुरानी पेंशन अगर लागू करेगी सरकार तो उससे सरकार को फायदा होगा भाई। देखो देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई सरकार की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये मांग सरकार से एक साल और मांगेंगे जिन्हें सारी मांगे हैं। अगर सरकार एक साल में हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम 2000 यानी एक साल के बाद में सरकार के 9.5 साल हो जाएंगे, फिर हम इस हर एक माले हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मेलन करेंगे और उसमें विपक्ष के नेता को बुलाएंगे। ये हमारे सभी समाज के साथियों की बात है सर। एक तो राजनीतिक दल तो जो हमारा काम करेगा वही है, जो भी भला करेगा बता दिया, एक साल बाद में हम विपक्ष के सामने रखेंगे हमारी मांग। ये आपने 8-10 मांगे रखी है सारी, बीजेपी पूरा कर देती तो मैं धन्यवाद करूंगा, मैं रहूंगा कांग्रेस में, मैं ये कहता हूँ। सुनो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं फिर कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और बीजेपी अगर सारी मांग पूरी करती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। तो नेता है हमारी पार्टी के और बाकी जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग भी लेंगे। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इस प्रोग्राम से पहले भी हमारी अच्छी कवरेज दी और आज भी आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए आपका आभार। इस प्रोग्राम के लिए हमारे भिवानी से सुरेश भाई है, अशोक है, हमारे रोहतक से कुलदीप गड़ी, सभी साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत करी और आज इसका फल है कि हजारों की संख्या में बैकवर्ड समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। गोरेला जी ने अपनी बातें बताई, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अभी इंद्रवेश जी ने भी, दीपक जी ने, मलिक सभी ने सवाल पूछा कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित नहीं है। देखिए सारे बोर्ड लगे हुए हैं, हम कांग्रेस नेता हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन कहीं इसमें हमने पार्टी का कोई नाम नहीं लिया। शुरू दिन जिस दिन से हमने प्रोग्राम रखा था ये कहा था इस प्रोग्राम में ना कोई झंडा होगा ना कोई डंडा होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे बैकवर्ड के हजारों साथी आए, और ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगे भी कोई भी प्रोग्राम हमारे बड़े भाई जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं रामनिवास गोडेला जी, इनके नेतृत्व में अगला प्रोग्राम कैथल रख दिया गया है, जहां भी प्रोग्राम हो सभी साथी बैकवर्ड के वहां पहुंचे और अपनी मांगों के लिए इकट्ठा होंगे, तभी चाहे सरकार की मांग उठाना प्राथमिकता, बिल्कुल प्राथमिकता है, पार्टी बाद में है, सबसे पहले समाज है। और उसके लिए और पार्टियों के जो नेता आज भी बहुत आए हैं, ये नहीं है, और पार्टियों के में जो सक्रिय रहते हैं वो यहाँ आए हुए हैं, तो आगे भी मैं निवेदन करता हूँ कि समाज सबसे पहले है और हम सिर्फ बैकवर्ड समाज की नहीं, एससी समाज भी और गरीब आदमी जो भी सरकार के द्वारा दबा कुचला गया वो आए और हमारा साथ दे। आपका